नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। राजसमंद के देवगढ़ में श्री कंडी माता मेला व दशहरा मेला के दौरान शाम को भव्य आतिशबाजी के साथ रावण पुत्र मेघनाथ दहन किया जाएगा। वही नगर पालिका 60 फीट ऊंचा रावण और मेघनाथ बनवाया है। रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पीसी बैरवा होंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विजयदशमी पर्व पर आज 72 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री कृपलानी रहेंगे। इससे पूर्व रामलीला मंच के पास शाम को रामलीला कलाकारों द्वारा राम रावण संवाद की प्रस्तुति की जाएगी। रामलीला मंच पर भगवान श्री राम का राज तिलक समारोह होगा। वही आतिशबाजी के नजारे दिखाए जाएंगे। ईओ कौशल कुमार खटुमरा ने बताया कि कार्यक्रम के साथ ही 10 दिवसीय दशहरा मेले का समापन होगा। भीलवाड़ा के आसीन में रावण दहन से पूर्व सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आसीन नगरवासियों एवं भामाशाहों सहयोग से आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा रहे। उन्होंने बताया कि नगरवासियों एवं भामाशाह के सहयोग से आज संस्कृतम रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। आज शाम को रावण दहन होगा, जिसमें आसीन तहसील व आसपास क्षेत्र के सभी के ग्रामीण लोग मौजूद रहेंगे। जोधपुर के फलौदी में आज विजयदशमी पर्व पर रावण का दहन नहीं होगा। यहां पिछले 3 साल से पालिका प्रशासन द्वारा रावण दहन कार्यक्रम नहीं किया जा रहा। फलौदी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अविनाश शर्मा ने बताया कि रावण दहन कार्यक्रम बेहद खर्चीला होने से पालिका के पास ऐसे आयोजन करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, जिसके चलते रावण दहन के कार्यक्रम को पिछले 3 सालों से आयोजित नहीं किया जाता। वहीं रावण दहन नहीं होने को लेकर फलौदी के लोगों ने नाराजगी जताई। कोटा के टावा में विजयदशमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर झरनिया बालाजी मंदिर पर फूल बंगले की भव्य झांकी सजाई गई है। 56 भोग लगाकर श्रद्धालुओं ने हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की। बाड़मेर के बालोतरा में पचपदरा में विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड पचपदरा का पथ संचलन निकाला गया। खंड कार्यवाहक भैराराम प्रजापत ने बताया कि सुबह शस्त्र पूजन करने के बाद परेऊ मठाधीश ओमकार भारती जी महाराज, ओसवा समाज के अध्यक्ष पुखराज छाजेड़ के अतिथि में सभा का आयोजन किया गया। जयपुर के पावटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस ने पथ संचलन निकाला। इस दौरान जिला प्रचालक संजीव ने बौद्धिक दिया और समाज को संगठित होकर देश की सेवा करने का आह्वान किया। इसके बाद आदर्श विद्या मंदिर से शुरू हुआ संचलन मुख्य मार्गों से गुजरा। इस दौरान पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, साथ ही भारत माता की जयकारों से माहौल गूंज उठा। बाड़मेर के समदड़ी में ललेची माता नवरात्रि गरबा महोत्सव में आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गरबा की धूम रही। करीबन 15,000 से भी ज्यादा तादाद में गरबा प्रेमी माता जी के मंदिर पहुंचे। मीठे गुजराती गरबा गीतों और फिल्मी धुनों पर प्रतिभागी अपनी ही धुन से मग्न होते नजर आए। भीलवाड़ा के बनेड़ा में स्थित माता जी का खेड़ा में चल रहे हैं 9 दिवसीय गरबा महोत्सव का अब समापन हुआ। समारोह के दौरान उत्कृष्ट गरबा करने वालों को अतिथियों द्वारा पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सुदर्शन स्टेडियम में नवदुर्गा इंडियन ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित गरबा महोत्सव का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस मौके पर प्रतिदिन प्रत्येक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गरबा खेलने वालों को पारितोषिक भी दिए गए। आयोजकों द्वारा बैठने की उचित व्यवस्था के साथ ही महिलाओं को आकर्षक विद्युत सजा की गई। भीलवाड़ा के आसीन में कटार ग्राम में माँ दुर्गा नवयुवक मंडल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष का माँ दुर्गा नवयुवक मंडल की ओर से जोरदार फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। नवरात्रि के अंतिम दिन महिलाओं ने गरबा और सांस्कृतिक प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं राजस्थानी वेशभूषा पहनकर महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पारितोषिक इनाम दिया गया। भीलवाड़ा के करेड़ा में महेश्वरी समाज द्वारा नवरात्रि पर्व पर आयोजित गरबा महोत्सव पर डांडिया खेल में नवरात्रि का अंतिम दिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थानी वेशभूषा पहनकर आई महिलाओं को पारितोषिक इनाम दिया गया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में अगले वर्ष की खुशहाली की कामना के साथ गरबा महोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ अंतिम दिन लोगों का हुजूम उमड़ा, अंतिम दिन लोगों का उत्साह चरम सीमा पर रहा। यहाँ भव्य आतिशबाजी के साथ गरबा महोत्सव संपन्न हुआ। सिरोही के आबू रोड में शहर समेत आसपास गांवों में जगह जगह गरबे की धूम देखने को मिली। वहीं युवक युवतियों ने देर रात तक डांडिया किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में नगर पालिका की ओर से नवरात्रों में सिनेमा चौराहा नया बाजार दुर्गा माता मंदिर के पास माता की चौकी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष बंसीलाल प्रजापत, भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार वधवा, व्यापार महासंघ महामंत्री आनंद प्रकाश शर्मा ने मां की ज्योति प्रज्वलित कर किया। राजसमंद के आमेट में शारदीय नवरात्र महोत्सव में मातेश्वरी क्लब में अंतिम दिन विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें साक्षात चावंडा, तिरुपति बालाजी, भगवान शंकर, कृष्णा, नारद जैसे कई रूपों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रदर्शन किया। भरतपुर के व्यार उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में नवरात्रों के समापन पर कन्याओं का विधिवत रूप से पूजन कर उन्हें भोजन प्रसादी कराई गई। नवरात्रों के अंतिम दिन देवी मां का पूजन करते हुए कन्याओं का घर घर में पूजन किया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर में नागणेशी मंदिर में नवरात्रा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मंदिर प्रबंधक समिति अध्यक्ष उमेश सिंह अराबा ने बताया कि नागाड़ा धाम में पंडितों द्वारा नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। नवरात्रि में विशेष सहयोगकर्ताओं, भमाशाओं एवं दानदाताओं का बहुमान किया गया। इस दौरान नवरात्र के दौरान मंडली थानाधिकारी रोशन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोटा के टावा में नवरात्र समापन के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में श्रद्धालु नाचते गाते और माता के जयकारे लगाते चल रहे थे। अचानक हर जगह पर पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत किया गया। बाड़मेर के समदड़ी में कांकराला ग्राम पंचायत क्षेत्र के विरणार्थियों की ढाणी में नवरात्र पर्व पर कुंभेश्वर नवयुवक मंडल द्वारा मां दुर्गा डांडिया रास के भव्य समारोह में आसपास की ढाणियों और गांवों से सैकड़ों लोग उमड़े। चित्तौड़गढ़ के अकोला में शक्तिपीठ प्राचीन चामुंडा रानी के मंदिर में नवरात्र का समापन हुआ। नवमी पर लोगों ने घरों में कुलदेवी का पूजन कर भोग लगाया। साधना करने वालों ने भी हवन पूजा कर उपासना पूर्ण की। चामुंडा माता मंदिर में अनुष्ठानों को भोग लगा गया। सभी श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूर्णहति के साथ ही नवरात्र का समापन हुआ। नागौर के मेट्रो सिटी में मीरा नगरी के जेतारण चौकी पर स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर के सामने रामलीला का मंचन हुआ। बाबा रामदेव रामलीला कला मंडल के कलाकारों ने रामायण के पात्रों का शानदार अभिनय किया। मंडल के व्यवस्थापक ने बताया कि 30 सालों से यह आयोजन हो रहा है। डूंगरपुर के झोतरी में महाआरती के साथ नवरात्रि महोत्सव का समापन हुआ। क्षेत्र के गांवों में देर रात तक गरबों की रंगत के बाद महाआरती और महाप्रसाद के साथ नवरात्रि महोत्सव की पूर्णाहुति हुई। करवाड़ा स्थित कस्बों में महाआरती में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसलमेर के रामदेवरा में सैनिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने रामदेवरा के विरमदेवरा में शहीद किशोर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहादत का श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले 3 दिनों से सीमांत जिले में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के घर घर जाकर उनकी समस्या सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार की तरफ जिन शहीदों की प्रतिमा अब तक नहीं बनी है उनकी प्रतिमा शीघ्र ही बनाई जाएंगे। अलवर के बैरोड थाना क्षेत्र के गुंती गांव में 4 हथियारबंद बदमाशों द्वारा रात में 2 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म और लूट की वारदात का मामला सामने आया है। 4 आरोपियों को हरियाणा के बिलासपुर में सीआईयू के कई टीम ने गिरफ्तार किया, जहां उन्होंने 6 जगह लूट और रेप की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है, जबकि 150 से अधिक अन्य लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। अलवर पुलिस 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर अलवर लेकर आएगी। इन आरोपियों ने अलवर जिले में 6 से 7 जगहों पर लूट और नकबजनी की वारदातों का अंजाम दिया है। बहरोड के गुंती गांव में हथियार की नोक पर लूट और 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे के सबसे व्यस्ततम रामखिलाड़ी चौराहे पर 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के अन्य साथियों की तलाश जारी है। दरअसल 3 दिन पूर्व चौराहे पर सब्जी व्यापारी सीताराम राठौड़ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। वहीं युवक उमेश दुकान से सब्जी खरीद रहा था, तभी आरोपी अपने साथियों के साथ आया और व्यापारी सीताराम पर फायरिंग कर दी, लेकिन गोली युवक उमेश को लगी जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जयपुर में इलाज जारी है। दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई फायरिंग के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। झुंझुनू के खेतड़ी में नशे में पुलिस की हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पर आरएसी के 2 जवानों ने कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष योगेश शर्मा व एक अन्य छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसको गंभीर हालत में खेतड़ी के अजीत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे खेतड़ी में तनाव बना हुआ है।
स्थानीय विधायक पूरणमल सैनी भी अस्पताल पहुंचे और डीएसपी वीरेंद्र मीणा व थानाधिकारी हरदयाल सिंह जापते के साथ अस्पताल में मौजूद है। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। करौली के इंडोन सिटी में उपखंड कार्यालय में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए लिपिक को 80,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। परिवादी का कहना है कि कोतवाली थानाधिकारी ने मामले में कार्रवाई नहीं करने के एवज में रुपए मांगे थे और अपने रिश्वत के लिए अपने रीडर से मिलने के लिए कहा, जिसके बाद रीडर ने मामले के निस्तारण के लिए 2,80,000 रुपए मांगे, जिसे उसने 2,00,000 रुपए दे दिए। वहीं दोबारा बाकी 80,000 रुपए मांगने परिवादी ने एसीबी टीम के साथ मिलकर 80,000 रुपए देते लिपिक लल्लूराम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीकानेर के लूणकरसर के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10 क्लास के एक विद्यार्थी पवन गोदारा के साथ स्कूल में ही मारपीट की घटना से सनसनी फैल गई। आरोप है कि दूसरे स्टूडेंट के परिजनों ने चलती क्लास में हॉकी स्टिक्स और लाठियों से मारपीट की। स्कूल में चलती क्लास में छात्र की पिटाई की घटना से स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। इस मामले को लेकर पुलिस में केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने के कारण परिजन मामले की जांच बदलवाने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में रहने वाली 11 वर्षीय अंतिमा ने फंदे पर झूलकर जान दे दी। खबर मिली है कि अंतिमा अपने 4-5 साल के भाई के साथ खेल रही थी, अपनी मम्मी की चुन्नी के साथ खेल रही थी और टीवी सीरियल में रस्सी के डांस को देखकर उसी प्रकार डांस स्टाइल में वे अपने भाई को लंबा होकर दिखा रही थी। जैसलमेर के पोखरण राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पोखरण विधायक शैतान सिंह राठौर ने की। दोनों मंत्रियों के पोखरण महाविद्यालय परिसर में पहुंचने पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार महाविद्यालय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। भरतपुर में नदबई के कटारा गांव में आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर नदबई खेरली मार्ग पर जाम लगा दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर पहुंचे बिजली अधिकारी जयन भूपेंद्र पूनिया को देखकर ग्रामीण और भड़क गए। ग्रामीणों का कहना है कि जब मौके पर जयन पहुंचे तो वे शराब पिए हुए थे। जयन ने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को शिकायत कर दो, मेरा ट्रांसफर कराने की किसी से औकात नहीं है। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया। झुंझुनू के बिसाऊ की मूक रामलीला दुनिया भर में अनूठी है। ये मंचन स्टेज की जगह खुले मैदान में किया जाता है। 170 सालों से यहाँ मूल रामलीला खेली जा रही है। रामलीला का मंचन 15 दिनों तक चलता है। खास बात यह भी है कि सभी पात्र मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं। रामलीला में सांप्रदायिक सौहार्द भी देखने को मिलता है। यह मुस्लिम समुदाय के लोग ही ढोल नगाड़े बजाते हैं। हनुमानगढ़ के पल्लू कस्बे में महाब्रह्माणी के मंदिर के सामने हजारों वर्षों पुराना पूर्व लगा खेजड़ी का वर्ष लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में स्थित यह वृक्ष नीचे से पूरा सूखा है। वृक्ष की टहनियां भी ऊपर से सूखी हैं, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस वृक्ष की विशेषता है कि ये खेजड़ी का पेड़ पूरा सूखा होने के बाद भी ऊपर से हरा है और पेड़ में ऋतु के अनुसार सामान्य पेड़ों की तरह मौसम परिवर्तन भी होते हैं। लोग इसे भैरू बाबा और माँ का चमत्कार मानकर इसकी पूजा कर रहे हैं। ये पेड़ करीब 750 साल पुराना बताया जा रहा है। सीकर के श्रीमाधोपुर के राहुल कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे 23 साल के राहुल चर्चा में तब आए जब हाल ही में उनकी कलाकृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। जब उनकी कलाकृति को नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल किया गया 2017 में इनकी कलाकृति प्रकृति से संगीत का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीदरलैंड में हुआ। चित्तौड़गढ़ के राशमी कस्बे के अम्बेडकर बस स्टैंड पर विजयदशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। यहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर सम्राट अशोक विजयदशमी और 61वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाकर लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बूंदी के कापरेन में उपखंड क्षेत्र में कापरेन रोटेदा में मुस्लिम समाज ने इमाम हुसैन की याद में मातमी धुनों के साथ मुहर्रम की 7 तारीख का जुलूस निकाला। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस में शामिल लोग ढोल पर मातमी धुन बजा रहे थे। जैसलमेर के रामदेवरा में राज्य स्तरीय 14 वर्ष में बालक बालिका जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का पोखरण विधायक शैतान सिंह के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ, जिसमें विजेता रहे छात्र छात्राओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पोखरण विधायक शैतान सिंह ने कहा कि हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस दौरान राम सापीर विद्यालय के संयोजक आयोजक ने सभी का आभार व्यक्त किया। जोधपुर के राहुल सिंह ने बेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। सीकर के नीमका थाना में गणेश्वर आगरी गांव की एक नाबालिग बालिका से गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जीएसपी कुशाल सिंह के अनुसार पीड़िता से अश्लील क्लिपिंग बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गांव के ही चार युवकों ने बच्ची के साथ अश्लील क्लिप बनाई और बाद में उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ गैंगरेप किया। अजमेर के ब्यावर में अज्ञात चोरों ने शहर के झुंगरी रोड स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए मकान के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बारह के अंता में इस बार प्रशासन की पहल पर मुहर्रम का जुलूस बगैर हथियारों के निकाला जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब कस्बे में किसी भी त्योहार पर हथियारों के साथ कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा दोनों ही समुदाय के लोगों से लिखित में स्वीकृति ली गई है। इसके पालना नहीं होने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। भीलवाड़ा के कुवलियावास पंचायत के जालखेड़ा गांव से देवलिया खेड़ा बालाजी महाराज मंदिर पर मेले में धर्म ध्वजा झंडा ले जाने के दौरान ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान ग्रामीण डीजे के साथ धूमधाम से नाचते हुए बालाजी महाराज के मेले में पहुंचे। भीलवाड़ा के आसीन में पुलिस ने 24 घंटे में ही हत्या का पर्दाफाश कर दिया। यहां 27 सितंबर को बदनौर थाना क्षेत्र के मोची चौराहे के पास सुनसान जंगल में युवक का शव मिला। मृतक का गला घोटकर विद्युत पोल पर लटका दिया गया था। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया। यह हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। चारों आरोपी मृतक के गांव हरनिया मंगरी के निवासी हैं। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।